दोस्तों आज की वीडियो होने वाली काफी ज्यादा शानदार। आज मैं आपके लिए एक ऐसा बिजनेस लेके आया हूँ जिसे आप पूरे इंडिया में कहीं से भी कर सकते हो और आराम से 5 से 10 हजार रुपए कमा सकते हो। बहुत ही बढ़िया बिजनेस आइडिया होने वाला है जहां पर आप एक एक कार्टून बेचते हो तो हर एक कार्टून पे आपका नेट प्रॉफिट 1 हजार रुपए का होता है और ऐसे आप आराम से 5 से 10 कार्टून पूरे दिन में बेच सकते हो। इस बिजनेस को आप पार्ट टाइम में भी शुरू कर सकते हो। धीरे धीरे जैसे आपका बिजनेस ग्रोथ होता जाता है, जैसे जैसे आपके कस्टमर बनते हैं पूरे इंडिया से, तो आप इस बिजनेस को आप फुल टाइम में भी कर सकते हो। तो क्या बिजनेस आइडिया होने वाला है, कितने रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट होने वाली है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि बहुत कुछ इस वीडियो से आप सीख के जाने वाले हो। पूरे प्रोडक्ट जितने भी कंपनी के हैं वो सारे प्रोडक्ट इस कैटलॉग के अंदर दिए हुए हैं। अच्छा जी, आप अच्छे से देखिए, कोई भी कंपनी इतनी बड़ी कैटलॉग इतने पेज में कैटलॉग यहाँ नहीं दे रही है। बस ज्यादा से ज्यादा एक पेज में या दो पेज में कैटलॉग देते हैं। ये 16 पेज की। तो दोस्तों बिजनेस की सारी जानकारी हमें देंगे सर, तो चलिए सर से मिलते हैं और लेते हैं सारी जानकारी। तो सर बहुत बहुत स्वागत है जी हमारे चैनल पे। जी तो सबसे पहले तो अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए और आपकी कंपनी के बारे में किस चीज में आप डील करते हो। सर मेरा नाम साजिद अली, ठीक है जी, अलेक्सा लुब्रिकेंट्स कंपनी, और हमारा जो बेसिकली काम है वो इंजन ऑयल का है, ठीक है, क्योंकि लुब्रिकेंट सेक्टर में हम लोग पिछले ऑनलाइन काफी टाइम से लगे हुए हैं। और आज इस वीडियो के माध्यम से आपके जो भी व्यूअर्स हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं जी, तो ये इंजन ऑयल का प्रोडक्ट होता है सर हमारा। अच्छा जी, जो बाइक इंजन ऑयल है, हालांकि हमारे पास आपको 2 व्हीलर से लेकर 4 व्हीलर 6 व्हीलर यानी कोई सी भी गाड़ी का इंजन ऑयल आप चाहोगे वो प्रॉपर तरीके से आपको एक अच्छे रेट में, अच्छा जी, यहाँ से मिल जाएगा। तो सर सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा क्योंकि इंजन ऑयल जैसा कि आपने बात करी बहुत सारे ब्रांड भी है जिस चीज में डील करते हैं, तो लोग उनसे ना जुड़ के आपसे जुड़े इसमें क्या फायदा रहने वाला है। देखिए सर, आज के टाइम में बहुत बड़ी बड़ी कंपनी इंजन ऑयल सेक्टर में काम कर रही हैं, लेकिन एक्चुअली होता है क्या है कि जो भी पॉपुलर ब्रांड होते हैं उन लोगों का इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा हो जाता है कि एक आम आदमी नहीं जुटा पाता। तो हमारी अलेक्सा लुब्रिकेंट्स कंपनी एक कम इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा प्लेटफॉर्म सामने वाले कस्टमर को देती है और एक अच्छा व्यापार देती है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो बहुत कम से कम इन्वेस्टमेंट, मतलब लघु उद्योग बिजनेस होने वाला है। जी 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 दोस्तों, इन्वेस्टमेंट कितनी होने वाली वो भी हम आपको बताएंगे वीडियो के एंड में। सर बात करते हैं प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट मार्जिन की सर मैं अगर बात करूं जी, तो आप एक दिन में देखिए सुबह 10 बजे के बाद से मार्केट ओपन हो जाती है, ठीक है, और कोई भी बंदा अगर रेगुलर मार्केट में विजिट करता है तो 10 से 5 हजार आसानी से काम कर सकता है। अच्छा जी, और जब 10 से 5 आसानी से वो मार्केट विजिट करेगा तो एक दिन में एक बंदा 20 मैकेनिक को हमारा ये प्रोडक्ट बहुत आसानी से प्रेजेंट कर देता है, ठीक है सर। लेकिन होता क्या है सर, कस्टमर के हाथ में उस समय हमारा एक नया ब्रांड होता है तो 100% तो पॉजिटिव नहीं मैकेनिक हो पाता, बिल्कुल सेल की लाइन में सर 100% हमेशा कन्वर्ट नहीं करता। तो कहीं ना कहीं वो अगर एक दिन में 5 कस्टमर भी अपने बना लेता है सुबह से शाम तक, 10 बजे से 5 बजे तक अगर 5 कस्टमर भी उसने बना लिए, ठीक है, तो ये कार्टून में सेल होता है, ये पर पीस सेल नहीं होता, सिंगल सेल नहीं होता, ये कार्टून में सेल होता है और एक कार्टून पर 1000 से लेकर 1500 रुपए तक का नेट प्रॉफिट निकल के आता है। तो अगर एक दिन में एक बंदा अगर 5-7 कार्टून भी सेल निकल कर आ जाता है तो आप एवरेज लगा सकते हैं 5 से 10 हजार रुपए वो पर डे बहुत आसानी से कमा सकता है। क्या बात है, और एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड जैसा कि आप समझ सकते हो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है मार्केट में। कहीं पर भी आप जाओगे तो वहां पे बस आपको सिर्फ स्टार्टिंग में दिक्कत ही आने वाली है कि वो ब्रांड रिकॉग्निशन नहीं रहेगा। और सर इसमें एक चीज और है, मैं एक बात और बताना चाहूंगा आपको जी, कि जैसे हमारा कोई भी कंपनी से कस्टमर बनता है तो हमारी कंपनी का मेन फोकस जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है। अच्छा जी, तो हम लोग अपनी कंपनी के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं और वन डिस्ट्रीब्यूटर जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक डिस्ट्रीब्यूटर को खड़ा कर देंगे। अच्छा जी, वहां फिर दूसरी किसी भी पार्टी को माल नहीं देती है, मतलब कोई कंपटीशन, ये कंपनी की अपनी एक मोनोपोली है कि वन डिस्ट्रीब्यूटर। ऐसा नहीं कि आपने सपोज कीजिए किसी एक डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास इंक्वायरी आई, हमारी सेल्स टीम ने उससे बात की, कल के दिन को उसी डिस्ट्रिक्ट से दूसरी इंक्वायरी आती है, तो अगर हमारा एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है तो नेक्स्ट टाइम हम उस डिस्ट्रीब्यूटर को, मतलब उस डिस्ट्रीब्यूटर के अलावा कोई दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं बनाते। और कोई भी कॉल अगर आती है जी,
तो वो कॉल उसी डिस्ट्रीब्यूटर को हम फॉलो कर देते, मतलब वो लीड आप उनको दे देते हो डायरेक्ट, तो उनके थ्रू वो माल ले सकते हैं डायरेक्ट, नहीं सेल प्रोवाइड। जी 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 सर। तो यहाँ पे एक तरीके से आपका कंपटीशन भी खत्म हो गया। हाँ सर बिल्कुल, कंपटीशन खत्म हो जाता है क्योंकि जो रेट आपको मिल रहा है उस रेट में आप आगे सेल करोगे तो कोई और आपके रेट में दे नहीं सकता इस चीज। जी जी सर। तो सर जैसे बात करते हैं अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर बनता है तो क्या क्या चीजें कंपनी की तरफ से क्या सपोर्ट रहता है? देखिए कंपनी की सपोर्ट ये है कि एक तो एड मटेरियल की आज के टाइम में बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर डिमांड रहती है। इस तरह की हमारी टी शर्ट वगैरह होती है जो कार्टून के अंदर हम लगा के देते हैं, कुछ पंपलेट्स वगैरह होते हैं जो ये एड स्टिकर बोला जाता है। जैसे आप मैकेनिक के पास जाएंगे तो सबसे पहले एक मैकेनिक के पास अपना काउंटर पर स्टिकर लगा दो, उसी के साथ में ये हमारे कुछ पेंस वगैरह होते हैं जो कार्टून के अंदर दिखाई देते हैं, कुछ एक चाबी का छल्ला होता है। अच्छा। और जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हमारी कंपनी में बनता है तो हम ऐसे नहीं बनाते, कंपनी का जो ये लेटर हेड होता है उसको एक रिटर्न में ऑथराइज सर्टिफिकेट बनाकर हम लोग देते हैं। अच्छा जी, मतलब एक तरीके से पूरा वेरीफाई करके आपको डीलर का बैच दिया जाएगा। उसके साथ जैसा कि सर ने बताया सर, स्टार्टिंग में जैसे कोई डीलर बनता है तो उसको आइडिया नहीं रहता किस तरीके से मार्केट करनी है। देखिए सर स्टार्टिंग का आइडिया कि मैं, आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया क्योंकि होता क्या है कुछ लोग स्टार्टिंग में जुड़ते हैं हम लोगों से, वो मार्केट में जाते हैं तो स्टार्टिंग में होता क्या है कुछ टाइम की एक लिमिटेड मेहनत है, ऐसा नहीं कि आप एक जब तक व्यापार करेंगे जब तक मेहनत करेंगे, क्योंकि इसमें रोज हमें नया कस्टमर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल, हमने 30 कस्टमर बता दिया। अगर हमने स्टार्टिंग में एक महीना दो महीने मार्केट में मेहनत कर ली, ठीक है, और अगर हमने 50 काउंटर या 60 काउंटर या 100 काउंटर मतलब काउंटर अपने मार्केट के अंदर बना लिए, ठीक है जी, उसके बाद क्वालिटी की बात आती है जी, क्योंकि आपने मेहनत की मार्केट के अंदर, आपने अपनी मेहनत से एक अपना काउंटर बनाया और उसके बाद मेहनत की कंपनी ने अपनी क्वालिटी के ऊपर जी, जब एक मैकेनिक आपसे जुड़ जाता है तो फिर वो आपके पास परमानेंट चलता है। यानी आपकी एक या दो महीने की मेहनत में अगर आप 60-70 काउंटर अपने बना लेते हैं तो इसमें ऐसा कोई व्यापार नहीं है कि आपको हर दिन नया कस्टमर ढूंढना पड़ेगा, फिर वही रेगुलर हमारे कस्टमर बन जाते हैं, लॉन्ग टाइम हमारा बिजनेस, मतलब एक रेगुलर इनकम उनकी जनरेट होती रहती है बिना काम करे, मतलब 2-3 महीने बस। और आज मेरी कंपनी के अंदर ऐसे कई डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिन्होंने स्टार्टिंग में सर 10 कार्टून से काम को शुरू किया था, आज महीने का 100-150 कार्टून सेल करते हैं और अपने पास वो आज इतना काम बढ़ा चुके हैं कि अपने पास उनको मार्केट करने के लिए लड़कों की जरूरत पड़ती है। क्या बात है, मतलब स्टार्टिंग की मेहनत आपकी होने वाली, स्टार्टिंग की इन्वेस्टमेंट आपको करना है, उसके बाद आप एक लड़का रख के भी सारे माल को बस आपको पहुंचाना है कस्टमर तक। जी जी। क्योंकि कस्टमर आपके ऑलरेडी बने रहेंगे तो सिर्फ आपको कॉल आएगी और आपको माल पहुंचाना है। और देखिए मैं दिखाऊं, हमारे पास जो कंपनी की कैटलॉग है जी, ये बहुत वैल्यू रखती है अपने आप में। अच्छा जी, क्यों? क्योंकि उसकी वजह है कि आप सैंपल के साथ जैसे ही मार्केट में जाते हैं तो सारे प्रोडक्ट उठा के एक साथ नहीं लेके चल सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये हमारी पूरी एक कैटलॉग क्या है, कैसे मानकर चलिए अलेक्सा की जैसे एक बुक हो, इसके अंदर हमारे सभी प्रोडक्ट्स, ये देखिए मैं दिखाता हूँ, इस पूरे प्रोडक्ट जितने भी कंपनी के हैं वो सारे प्रोडक्ट इस कैटलॉग के अंदर दिए हुए हैं। अच्छा जी, आप अच्छे से देखिए, कोई भी कंपनी इतनी बड़ी कैटलॉग इतने पेज में कैटलॉग यहाँ नहीं दे रही है, बस ज्यादा से ज्यादा एक पेज में या दो पेज में कैटलॉग देते हैं। ये 16 पेज की कैटलॉग है। क्या बात है, मतलब पूरा माल कैरी करके जाने की वजन उठाने की जरूरत नहीं है, आप एक दो पीस सैंपल रख सकते हो, बाकी कैटलॉग के थ्रू जो ऑर्डर आता है उसको प्लेस कर सकते हो। सर आपने कहा था क्वालिटी की बात, तो एक बार मैं क्वालिटी भी हमारे व्यूअर्स को दिखाना चाहूंगा किस तरीके की क्वालिटी रहती है प्रोडक्ट की। देखिये मैं क्वालिटी दिखाता हूँ अभी अपने इंजन ऑयल की। जी देखिये हमारा अलेक्सा सुपर मैक्स के नाम से है, 40 इंजन ऑयल है, बाइक इंजन ऑयल, ठीक है। मैं अभी इसकी आपको क्वालिटी दिखाता हूँ, हालांकि ये लूज पीस रखा था मेरे पास तो मैं इसी को ओपन करके दिखा देता हूँ। सेम क्वालिटी आपके कार्टून के अंदर जो डिब्बा होगा उसमें निकलेगी, इस तरीके के जो बॉक्सेस होंगे इसमें सेम क्वालिटी। हाँ सर, सभी में सेम क्वालिटी होगी। ठीक है सर, ये देखिए सर क्वालिटी इसकी, कैसी थिकनेस है, कैसी शाइनिंग है, मतलब जो चीज एक ब्रांड प्रोवाइड कर रहा है सेम चीज मिलने वाली है आपको यहीं पे। क्या बात है सर, ये देखिए सर इसकी क्वालिटी, ये क्वालिटी है, बाकी आप सामने से भी खुद भी जब मंगाओगे तो आप क्वालिटी देख सकते हो सर ने, ये देखो दोस्तों। बाकी आप इस चीज को लाइव अपने घर पे ऑर्डर करोगे या फिर आप आओगे सर के पास विजिट करने, जब भी आप यहाँ पे क्वालिटी आपको इस तरीके से दिखाई जाएगी, आप कंपेरिजन भी कर सकते हो मार्केट में जो ऑयल है और उससे सेम क्वालिटी आपको मिलने वाली सर जी, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही क्वालिटी देंगे सर। अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा ही देंगे। हाँ। अपनी मैन्युफैक्चरिंग है सर इनकी? हाँ सर, हमारा अपना प्लांट है देरी मुंडका में लगा हुआ, और हमारी खुद की पैकेजिंग है, खुद की हमारी अपनी पैकिंग प्लांट लगा हुआ है, ठीक है, और हमारा अपना खुद का रजिस्टर्ड ब्रांड है। अच्छा, अलेक्सा के नाम से? अलेक्सा के नाम से। और आज के टाइम में अगर मैं इसकी मार्केटिंग की बात करूँ तो हमारा 13-14 स्टेट में इसकी सप्लाई भी है। 13-14 स्टेट में ऑलरेडी सप्लाई है जी, पैन इंडिया काम है हम लोगों का। ठीक है सर, और
इतनी ज्यादा कॉलिंग रहती है सर कि हमारे पास अपनी एक मार्केटिंग टीम होती है जो स्टाफ हम लोगों ने बैठा रखा है। कोई भी कस्टमर अगर मानकर चलिए किसी पार्टी के पास जाता है, विजिट करता है, और कोई भी ऐसा क्वेश्चन उसके सामने आ जाता है कि वो नहीं समझा पाता है अपने कस्टमर को, तो ये फैसिलिटी भी हमारी कंपनी देती है कि आप तुरंत कंपनी को कॉल कीजिए। अच्छा जी। कंपनी के पास अपनी खुद की एक सेल्स टीम बैठी हुई है, वो प्रॉपर आपको हैंडल करेगी, आपके कस्टमर को समझाएगी। क्या बात है, मतलब कस्टमर भी अगर आपको समझाने में दिक्कत आती है तो डायरेक्ट आप कंपनी में कॉल करके सपोर्ट ले सकते हैं। जी जी। तो इससे ज्यादा और हैंड होल्ड सपोर्ट क्या चाहिए सर? बात कर रहे थे आप प्रोडक्ट में अलग अलग क्वालिटी, मतलब अलग अलग प्रोडक्ट आप देखिए। हाँ सर, ये अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे हमारा बाइक इंजन ऑयल ये SN ग्रेड में है, ठीक है, और ये हमारा SM ग्रेड में है। तो ये जितने भी आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहे हैं सर, ये कहीं ना कहीं सब अपने आप में अलग अलग है, ठीक है। और कहीं कुछ डिब्बे की लुक होती है कि एक मार्केट में डिब्बा सपोज कीजिए इसकी ज्यादा डिमांड आती है तो वहाँ ये दिया जाता है, कहीं दूसरे मार्केट में हम जाते हैं तो इस डिब्बे की ज्यादा डिमांड आ जाती है, अच्छा, तो ये दिया जाता है, यानी मार्केट की डिमांड के हिसाब से हम लोग काम करते हैं सर। क्या बात है। तो सर आप बात कर लेते हैं फाइनल क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट की, अगर कोई ये बिजनेस शुरू करना, इन्वेस्टमेंट की कोई ज्यादा इसमें जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में कंपनी जब आप को जोड़ती है तो आपको पहले सैंपल ऑर्डर लेना होता है। हमारी कंपनी की वो मोनोपोली नहीं है कि आप शुरू में ही 2 लाख 5 लाख या 10 लाख लगाकर काम कीजिए। अच्छा। हम सामने वाले से ये कहते हैं कि सर एक बार आप पहले कंपनी से 20-25 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट कीजिए, काम को समझो, जब मार्केट में आप उतरोगे आपको फीडबैक मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, तो सर उसके बाद आप ऑटोमेटिकली ऑर्डर जितने का ऑर्डर उसके बाद आप पैसा लगा सकते हो, पर स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट 20-25 हजार रुपए लगाकर, जिसमें सैंपल ऑलमोस्ट सारे इंक्लूड हो जाएंगे। जी जी। और इसके अलावा क्या क्या इंक्लूड होगा सर? इस तरीके से बैच वगैरह सारी चीजें रहेंगी? नहीं, ये तो खैर एड मटेरियल से जुड़ी हुई चीजें हैं, इन चीजों का कोई चार्ज नहीं होता है। अच्छा। जो कि पंपलेट्स वगैरह या हाँ, ये सब एड मटेरियल हम कार्टून में लगा के देते हैं। तो सर अगर कोई आना चाहता है या फिर आपसे जुड़ना चाहता है तो किस तरीके से जुड़ सकता है? देखिए स्क्रीन पर मेरे नंबर चल ही रहे हैं, ठीक है, और दूसरी चीज नांगलोई मेट्रो स्टेशन के बराबर में मेट्रो बाजार पड़ता है, C17 में हमारा ऑफिस है। आप एनी टाइम किसी भी समय आइए 10 से 6 के बीच, ठीक है, और कॉलिंग टाइमिंग भी हमारा यही होता है 10 से 6 नहीं, कॉलिंग टाइमिंग तो हम 10 से 10 भी कर सकते हैं। अच्छा जी। लेकिन ऑफिसली जो टाइमिंग है वो 10 से 6 है सर। और सर ऑफिस की बात करें किस दिन ऑफ रहता है अपना? संडे ऑफ रहता है। बाकी अगर कोई आना नहीं चाहता, ऑनलाइन जुड़ना चाहता तो वो फैसिलिटी भी अपने पास है सर? हाँ सर, हाँ, मतलब ऑनलाइन वीडियो कॉल पे आप समझा सकते हो? हाँ, समझा सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, कैसा लगा बिजनेस आइडिया हमें कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, बिजनेस आइडिया आपको पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कर देना। अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हो तो सर को कॉन्टेक्ट कर सकते हो, या फिर आपका कोई भाई करना चाहता है तो उस तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें।